आज का हमारा टॉपिक है डिस्क क्लीनअप। विंडोज 10 में हम किस तरह डिस्क क्लीनअप कर सकते हैं, चलें सीखते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या करना है, विंडो के बटन पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर फाइंड आउट करना है डिस्क मैनेजमेंट। जैसे ही हम डिस्क मैनेजमेंट पर अप्लाई करेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा इसका व्यू है। जैसे ही ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होगा तो यहाँ पर काफ़ी सारी ड्राइव्स हमें नज़र आ रही हैं। हमने किसी ड्राइव को कुछ नहीं करना, जस्ट हमने वर्क करना है सी ड्राइव के ऊपर। और सी ड्राइव पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सिलेक्ट हो जाएगी, तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, डिस्क क्लीन अप करना है। तो जैसे ही डिस्क क्लीन अप के बटन पर हम अप्लाई करेंगे तो डिस्क क्लीन अप का ये मिनी बॉक्स जो है ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वर्किंग है वो बहुत ही सिंपल है, आपने सेम वर्किंग ऐसे ही करनी है और आपके पीसी की जो स्पीड है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और सी ड्राइव जो है, अगर आपके पास लो डिस्क का जो मैसेज आ रहा है तो वो भी नहीं आएगा। बेसिकली आपके सी ड्राइव में जितनी भी जंक्स फाइल हैं ये रिमूव कर देगा। डिस्क क्लीन अप का मतलब भी यही है कि आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी, जो टेम्परेरी फाइल्स हैं। तो यहाँ पर आपने जो सेटिंग करनी है अनचेक कर देना है अपडेट को, बाकी सभी के ऊपर आपने क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे और डिलीट करना है, डिलीट करने के बाद प्रोसेसिंग फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। बेसिकली ये बैकग्राउंड प्रोसेसिंग है, जितनी भी फाइल्स हैं हमारे पास हम इसको डिलीट कर सकते हैं सेम इस मेथड को यूज़ करके। तो इसमें 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो अभी ये तमाम फाइल्स डिलीट हो गई हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहीं पर ही रहना है और टूल्स पर अप्लाई करना है। टूल्स पर अप्लाई करने के बाद ऑप्टिमाइज़ के बटन पर क्लिक करेंगे तो तमाम ड्राइव्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे सी ड्राइव को। जैसे ही हम सी ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे तो बेसिकली हमने क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ कर देंगे। ऑप्टिमाइज़ इसकी अगर हम सी ड्राइव को करते हैं तो काफ़ी टाइम लेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे चेंज सेटिंग पर अप्लाई करके। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, डेली, वीकली, मंथली। तो हम इसको वीकली पर सेट कर देंगे तो हमें बार बार इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजेशन का फ़ायदा यह है कि आपकी जो सिस्टम की स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और जितनी रैम प्रोसेसर है वो अच्छी तरह वर्क कर पाएगी। चलें, इसके बाद एक और सेटिंग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है आपके पीसी की स्पीड बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर टूल्स में ही हमारे पास चेक का बटन है, इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। अब यहाँ पर अप्लाई करने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा, बेसिकली सिस्टम में जितने भी हार्ड ड्राइव में या जो भी हम ड्राइव है हमारी पूरी जो टोटल डिस्क है उसमें कोई भी अगर एरर्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली डिस्क क्लीनअप में ऑप्शन दी गई है कि हम अपने सी ड्राइव या डी ड्राइव या टोटल ड्राइव, जितनी भी ड्राइव है हमारी 500 GB की ड्राइव है, ये ऑटोमेटिकली उसमें से जितने भी एरर्स हैं उनको सिलेक्ट करेगी और रिमूव कर देगी अगर आपकी सिस्टम में एरर्स हैं तो। तो इस तरह आप इसको सिलेक्ट करके एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान मेथड है इसको रिमूव करने का। देखें, कोई भी एरर नहीं है तो इसलिए आप इसको क्लोज़ कर दें। तो ये सिंपल मेथड था डिस्क क्लीनअप का।